Hello, my dear student. Now we are revising the cytoskeleton from the NCRT. This is the NCRT revision. Topic is cytoskeleton. Next slide पर आते हैं. Cytoskeleton an elaborate network of filamentous proteinaceous structure. Present in the cytoplasm is collectively referred to as a cytoskeleton. ये लाइन NCERT की है, पेज नंबर 136. डायग्राम में देखेंगे तो ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन है. ये देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोस्केल्टन है. इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये नीचे जो दिख रहा है ये माइक्रोफिलामेंट है. माइक्रोफिलामेंट जो है ये मेम्ब्रेन हमेशा अटैच रहते हैं और ये पिलर लाइक, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट. इस सेल के अंदर पूरा एक स्केल्टन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोस्केल्टन. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. साइटोस्केल्टन के जो फंक्शन है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. पूरा जाल ऐसा था वो शेप बनाएगा. प्रोवाइड द एंकरिंग फॉर द ऑर्गेनेल्स. डायग्राम में आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ा हुआ था और सेल ऑर्गेनेल्स माइक्रोट्यूब से जुड़े होते हैं. सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीलिया और फ्लैजला बना के. रेगुलेशन करते हैं स्ट्रक्चर का और सेल ऑर्गन का, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. साइटोस्केल्टन जो है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया. तीनों के स्ट्रक्चर देखिए एकदम अलग अलग है. माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. स्टार्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, सब माइक्रोस्कोपिक है. ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तभी इनको बोला गया है हॉलो. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिस प्रोटीन से बना उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना. ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है सल्फर रिच होती है ना, रिच इन सल्फर. दो तरह की होती है, अल्फा एंड बीटा टाइप. ये स्पायरल मैनर में अरेंज होते हैं, स्पायरल मैनर में स्प्रिंग की तरह. एक अल्फा स्पायरल होता है, एक बीटा स्पायरल होता है, तो एक स्प्रिंग की तरह ट्यूब बन जाता है, नैनो ट्यूब बन जाती है. इसको बोलते हैं ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर या हॉलो ट्यूब. ये नॉन कंट्रेक्टाइल है, ध्यान रखिएगा. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है जस्ट लाइक ए स्ट्रॉ, पेप्सी पिनल स्ट्रॉ की तरह दिखेगा और नॉन कंट्रेक्टाइल है. इट इज इजली रीजनरेट और डीजनरेट, आसानी से टूटेगा, आसानी से बनेगा. इट इज फाउंड मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बनता है. अ माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन इन ए प्रोटोफिलामेंट. 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन है किसमें? प्रोटोफिलामेंट में. क्या है? 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो भी आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे. इसका डायमीटर 20 nm होता है ना, यानी कि ट्यूब है बड़ा डायमीटर होगा. फाउंड इन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में मिलेगा. सीलिया बनाएगा, फ्लैजला बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, स्पिंडल बनाइए. ध्यान रखिएगा स्पिंडल भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा मिसकंसेप्ट रहता है लोगों में. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर हो गया. ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गई, अल्फा और बीटा ये दोनों बाइंड है ना, इनमें शेयर होता है. अब ये 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर प्रोटोफिलामेंट बनाती है. 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है? प्रोटोफिलामेंट बनाती है, है ना. ये 13 प्रोटोफिलामेंट, एक प्लस का होगा और एक माइनस का एंड होगा, क्योंकि ये क्या है, ये अमीनो एसिड है. अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके ये एक सर्कल बना रहा है ना. इस पूरे सर्कल को मैं बोलता हूँ प्रोटोफिलामेंट, है ना. इसमें 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये हॉलो हो गया. ऐसे प्रोटोफिलामेंट 1, 2, 3, तो ये पूरा एक हॉलो जो स्ट्रक्चर बना को बोलते हैं माइक्रो, मतलब नैनो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सही नाम पड़ गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स नाम पड़ गया, है ना. एक तरफ प्लस का एंड होगा, एक तरफ माइनस का एंड होगा. ये हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसकी हर यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स. ये नॉन कंट्रेक्टाइल है,
हॉलो स्ट्रक्चर है, ये बहुत तेजी से बनेगा, बहुत तेजी से टूटेगा, ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, ये क्या बनाते थे, सीलिया और फ्लैजला, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द सीलिया एंड फ्लैजला, ये देखिए क्या है, सीलिया एंड फ्लैजला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से ऐसे हेयर लाइक निकलना है, ठीक है। दे आर सिमिलर इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, सीलिया फ्लैजला फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, फंक्शन में थोड़े से डिफर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सब के सब ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन ए 9+2 मैनर, ये 9+2 मैनर में अरेंज होती है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, जो फ्लैजला होता है ये हमेशा ऑर्गेनिज्म की लेंथ से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, और सीलिया हमेशा छोटे होते हैं, बहुत बेसिक डिफरेंस है। फ्लैजला का जब भी डायग्राम हम बनाएंगे तो ऑर्गेनिज्म की लेंथ से ज्यादा होना चाहिए, और सीलिया हमेशा ऑर्गेनिज्म की लेंथ से छोटा, जिस पे लगा उससे छोटा होगा, ठीक है। फ्लैजला केवल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फ्लैजला केवल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, फ्लैजला ज्यादातर बॉडी के बाहर रहते हैं। फ्लैजला यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाएंगे, सीलिया केवल यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, और दोनों बने किसके होंगे, 9+2 प्रोटीन के। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजला अलग है, ये जो डायग्राम है ये प्रोकैरियोट फ्लैजला का है और ये डायग्राम यूकैरियोट फ्लैजला का है। यहां पर 4+4 का अरेंजमेंट होता है, फ्लैजलिन प्रोटीन अरेंज होती है 4+4, और ये वाला फ्लैजला जो है 360 डिग्री पर रोटेट होता है, 360 डिग्री पर रोटेट होता है प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट का 9+2 का बना होता है और ये 360 डिग्री पर रोटेट नहीं होता, ये केवल ऐसे रोटेट होता है 180 डिग्री पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला। अब फ्लैजला सीलिया दोनों 9+2 है ना, और फ्लैजला में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेसल बॉडी, ठीक है ना, बेसल बॉडी ये सेंट्रियोल का बना हुआ है, यानी 9+0 है ना, इसको काइनेटोसोम भी बोलते हैं और ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं, बेसल बॉडी को ब्लीफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बाहर निकलता है तो मेम्ब्रेन की कवरिंग आ जाती है, अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सोनियम बोलते हैं, ये 9+2 का जो स्केल्टन है इसको हम बोलते हैं एक्सोनियम, तो ये 9 है, ऐसे दिख रहा है डबल थ्रेडेड पाइप, ये रेड वाले जो पाइप है ये 9 है और ये दो दो हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डबलेट, क्या बोलते हैं इनको डबलेट, ये 9 है और ये दो दो हैं, इनके लिए बोलते हैं डबलेट, लिखा है ना, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट, तो ये टोटल 9 हो गए, यानी टोटल अगर मैं देखूं तो डबलेट 9 है, माइक्रोट्यूब्यूल्स 80 है, यही क्वेश्चन पूछेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के नंबर कितने हैं यहाँ पर, 18 है पेरिफेरल साइड में, सेंटर पे दो हैं, है ना। तो ये 9+2 का ये जो पूरा अरेंजमेंट है स्केलेटन, इसको मैं बोलता हूँ एक्सोनियम, इसके ऊपर जब मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाएगी तो ये स्केलेटन कोर 9+2 और मेम्ब्रेन को मिला के हम क्या बोलते हैं, शेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डबलेट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ये नेक्सिन प्रोटीन से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, तो सारे डबलेट नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू जुड़े हुए हैं, क्लियर हो गया। हाँ, ये आर्म्स होती है डायनिन आर्म्स, ये यहाँ पे पाया थी ए वाले माइक्रोट्यूब्स, तो दो तरह के डबलेट हैं, छोटा वाला ए है बड़ा वाला बी है ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल ए माइक्रोट्यूब्यूल बी, ये लंबे लंबे पाइप हो गए, ए पर डायनिन आर्म्स मिलेगी, ये डायनिन आर्म्स एटीपी देती है मूवमेंट के लिए, है ना, और ये जो 9 है ये स्पोक के थ्रू जुड़े हुए, स्पोक के थ्रू क्या हुए, जुड़े हुए ऐसे, ठीक है। तो 9+2 क्या हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजला उसकी बेसिक बातें क्या है, एक्सोनियम यूजली हैज ए 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल साइड एंड ए पेयर ऑफ सेंट्री लोकेटेड, एंड जो 9+2 का अरेंजमेंट है उस अरे को मैंने क्या बोला, एक्सोनियम बोला। जो आर्म्स है ए ट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइमेटिक प्रोटीन डायनिन, डायनिन बता दिया, ये मायोसिन ऑफ मसल सेल्स जैसे होती उसकी तरह से, मायोसिन मसल सेल्स में होती है उसकी तरह काम करेगी। डायनिन हैज द एबिलिटी टू हाइड्रोलिसिस
ऑफ एटीपी, एटीपी को तोड़ के एनर्जी निकालती है जिससे सीलिया ऑफ फ्लैजेला में मूवमेंट आता है। क्लियर हो गया। द सेंट्रल टिब्यूज आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, जो सेंट्रल टिब्यूज तो ब्रिज के थ्रू आपस में क्या है कनेक्टेड है ना, और उसके ऊपर एक सेंट्रल शीट है ना, जो वन ऑफ द टिब्यूज को पेरिफेरल डबलेट से जोड़ती है। जो शीट से स्पोक निकलते हैं वो किसी भी ए या बी से जुड़े होते हैं, फिक्स नहीं है, ए या बी किसी से भी जुड़े होंगे। ऐसे 9 रेडियल स्पोक होंगे, ध्यान रखिएगा ऐसे 9 रेडियल स्पोक होंगे। ये डायग्राम फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई नेक्सिन प्रोटीन, बताया था जो डबलेट थे ऐसे ऐसे जो डबलेट थे वो आपस में नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू क्या जुड़े हुए हैं। सीलिया फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन ने क्या बोला ब्लीफेरोप्लास्ट बोला। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब ये डायग्राम देखिए वापस, ये एनसीआरटी डायग्राम है ना, ये डबलेट ए है, इस पे ये डाइनी नाम लगी हुई है ना, ये लिखा है डाइनी नाम्स, ए वाले पे डबलेट में डाइनी नाम्स लगी हुई है। ये डबलेट नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू जुड़े हुए, लिखा नेक्सिन प्रोटीन है ना। तो टोटल 9 डबलेट है, डबलेट कितने टोटल 9, और एक डबलेट में 2 हो गए तो 18 माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, ये नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू जुड़े हुए। ये रेडियल स्पोक हो गए, ये क्या हो गया रेडियल स्पोक, जो सेंट्रल सीट से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने ए से जोड़ा, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर पूछेगा रेडियल स्पोक तो आपको बोलना है सेंट्रल सीट से जुड़ा रहेगा, दिस इज द सेंट्रल सीट, ये सेंट्रल सीट से जुड़ा रहेगा रेडियल स्पोक, 9 होंगे, ये सेंटर वाले 2 ट्यूबुल हो गए, ये आपस में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा ये डबलेट मेम्ब्रेन से भी आपको जोड़ने, इससे जोड़ने हैं मेम्ब्रेन से भी जोड़ने हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन। अब ऐसा क्यों होगा, जब ये डायनी नाम्स एनर्जी देंगे तो ये मूवमेंट करेगा, डबलेट क्या करेगा मूवमेंट करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा तो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो मेम्ब्रेन भी क्या करेगी मूवमेंट करेगी, जिससे पूरा पूरा फ्लैजेला मूव कर जाएगा। अब देखो डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए इधर, ये पूरा डबलेट है, ये पूरे डबलेट है दिख रहे हैं आप, और ये नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू जुड़े हुए, यानी हर प्रोटोफिलामेंट से नेक्सिन प्रोटीन निकलेगी, ऐसे ही हर प्रोटोफिलामेंट से डायनिन प्रोटीन निकलेगी, ऐसे हर प्रोटोफिलामेंट से क्या निकलेगा स्पोक्स निकलेंगे, और ऐसे ही सबसे क्या जुड़े होंगे लिंकर प्रोटीन, यानी से एक प्रोटोफिलामेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ट्यूब बन गया, सब लिंकर प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, सब में डायनी नाम है, जैसे पीछे डायग्राम अपन ने देखा था, ये दिख रहा है ये आपस में, ये लिंकर प्रोटीन, दिस इज द लिंकर प्रोटीन, ये लिंकर प्रोटीन के थ्रू यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब ये घूमेगा, ये एक्सोनियम घूमेगा तो मेम्ब्रेन भी अपने आप घूमना स्टार्ट कर देगी। क्लियर हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया और ये डबलेट सब मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। क्लियर हो गया, ये अपना हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला। अब अपन आते हैं सेंट्रोसोम, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। देखिए सेंट्रोसोम इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, पहली बात मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, इट इज यूजली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल, में 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में पाया जाता है और सारी मोटाइल प्लांट सेल में मिलेगा, हाँ हायर प्लांट्स में नहीं, जो प्लांट सेल मूव करती है जिसे क्लेमाइडोमोनास या एंथ्रोजोइट्स जो मूव करते हैं उनमें सेंट्रियोल मिलेगा। अब देखिए सेंट्रियोल हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलता है, डायग्राम दिख रहा है, तो ये पूरा सेंट्रोसोम है, चलो इस सेंट्रोसोम में ये 2 क्या है सेंट्रियोल, इन दोनों सेंट्रियोल को मिला के मैंने क्या बोला है डिप्लोसोम, क्या बोला है? इन दोनों को मिला के मैंने क्या बोला है डिप्लोसोम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब सेंट्रियोल क्या है, दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोल मटीरियल, है ना, एमॉर्फस मतलब इसका कोई शेप नहीं है। अब ये सेंट्रियोल है पेयर है ना, ये जिससे कवर्ड है, ये साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलिक मटेरियल, मतलब जो सेंट्रियोल के पेरीफेरल साइड में पाया जाए। क्लियर हो गया, हाँ इसको हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं,
यहाँ पे कोई सेलोनेल नहीं बनता। वो द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, है ना। हर सेंट्रियोल जो होते हैं दूसरे सेंट्रियोल के पेयर में 90 डिग्री पर अटैच है। कैसे अटैच है? 90 डिग्री पर अटैच है। इन पेयर को मैं क्या बोलता हूँ? सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और एक सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर जो है कार्ट व्हील जैसा हमको दिखाई देता है। अब सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और सेंट्रियोल बने किसके हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल मेनली कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। ये जो है ना तीन, ये इसको बोला ट्रिपलेट, वहां पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट है ना। और ये इवनली स्पेस्ड है, यानी इनके बीच का जो स्पेस है ये इवनली यानी इक्वल है, यानी हर के बीच में एंगल 40 डिग्री का है। सबके बीच में कितने का एंगल है? 40 डिग्री का है। अब ये टोटल कितने? 9 है, 40 × 9 कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा? 360 बन गया एक सर्कल, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए पूरा एक सर्कल बन गया, यानी सब पे 40 डिग्री का है। ये ट्रिपलेट हो गए तीन, वहां पे डबलेट थे, अंदर वाला ए बाहर वाला बी सी, तो ये ए बी सी जिसके थ्रू जुड़े हुए हैं उनको हम बोलेंगे ए सी लिंकर प्रोटीन। क्लियर हो गया, है ना। अब ये सेंटर पे भी जुड़े हैं, सेंटर वाले पार्ट को बोलेंगे हम क्या? स्पोक। क्या बोलेंगे? स्पोक, है ना। और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल हब। तो ये बिल्कुल कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए का जो बीच वाला पार्ट है, ये हो गया हब हो गया। ये एसी लिंकर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अरेंजमेंट 9+0 है, 9+0 मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। जब भी स्टेप इस तरह का डायग्राम आए तो 0+9 नहीं लिखना है, 9+0 लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर को मैं बाहर से अंदर देखता हूँ। कोई भी स्ट्रक्चर बायोलॉजी में बाहर से अंदर देखना है, यानी पहले 9 लिखोगे, 9 बाहर है, फिर अंदर जाओगे तो अंदर कुछ भी नहीं, तो 9+0 इससे ये इंडिकेट होता है 9 पेरिफेरल साइट पर है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ए प्रोटीनियस एंड कॉल्ड द हब। ये सेंट्रियोल डायग्राम हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया, है ना। ये कितने टोटल? 9 है, तो 9 × 3 ये कितने हो गए? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, जबकि सीरिया फ्लैजला में 20 थे, 18 पेरिफेरल साइट में, 2 अंतर। यहाँ पे 27 एक सेंट्रियोल में है, एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, है ना। अब ये हब है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये स्पोक हो गए, क्या हो गया? स्पोक। अब इसको 3D देखिए, पूरा ये हब प्लेट ऐसा बना हुआ है, और एसी लिंकर प्रोटीन देख रहे हो, ये भी प्लेट ऐसी पूरी है, यानी हर प्रोटोफिलामेंट से ये पूरी एसी लिंकर है, तो ये पूरी है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर अटैच्ड है, यानी पूरा 3D सोचोगे तो दो पिलर को आपस में बांध दिया है किसी चीज स्ट्रक्चर से, ऊपर से नीचे तक, उसको हमने बोला एसी लिंकर प्रोटीन। ये हब हो गया, और ये रेडियल स्पोक हो गए, और ये सेंट्रल पार्ट क्या हो गया? हब हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब सेंट्रोसोम्स दो सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ है, इतना हमको क्लियर हो गया। अब देखो ये डायग्राम, ये सेल डिवीजन का डायग्राम, यहाँ पे दो सेंट्रियोल हैं, यानी कि हर पोल पर दो सेंट्रियोल हैं, एक सेंट्रोसोम है। ध्यान रखना, पोल्स पर दो सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रोसोम होता है। तो ये कहीं का नंबर डायग्राम उसमें पूछ लेते हैं मियोसिस और माइटोसिस में। क्लियर हो गया, ये सेंट्रियोल हो गया, यानी दो सेंट्रियोल मिलेंगे, एक डिप्लोसोम बनेगा, डिप्लोसोम को हम साइटोप्लाज्म में डाल देंगे, तो मिला के उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। तो डिप्लोसोम प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। और सेंट्रियोल के आसपास का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे पेरिसेंट्रियोलिक फ्लूइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर। फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है? सॉरी, फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट, इट कंटेन द जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये सेल्फ डुप्लीकेट है लेकिन इसमें डीएनए नहीं होता। जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला के बेस पे जो बेसल बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट।
एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्ले रोल इन द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड डिटरमाइन द प्लांट प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल केवल कहां से सेल डिवाइड करनी ये डिसाइड करता है, है ना। इट इज अब्सेंट इन हायर प्लांट, पहले बता दिया, ये केवल कहां मिलती, ऑल मोटाइल प्लांट सेल में मिलेगा और जगह पर ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, माइक्रो फिलामेंट, है ना, ये दूसरा साइटोस्केलेटन है। डायग्राम अपन देखा था, दे आर द सॉलिड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये किसके बने हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन की, है ना। ये सॉलिड हैं, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या थे, हॉलो थे, है ना। इनकी प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इट इज फाउंड जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रोटीन अरेंज कैसे होगी, जिगजैग मैनर में। इनमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी अब्सेंट है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट थी। ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे, वो भी मोस्टली एनिमल सेल में। डायामीटर इनका 6 nm होगा, उनका 25 था। इट इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल, पहले बता दिया आपको। दे फॉर्म द माइक्रोविलाई मसल्स एंड मायो फाइब्रिल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, है ना। अब देखिए, ये माइक्रोफिलामेंट, देखो माइक्रोफिलामेंट ऐसे मेम्ब्रेन्स अटैच होते हैं, किनारे ये रेडेड लाइन आपको फर्स्ट डायग्राम में भी दिखाया था। ये साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे ट्यूब के फॉर्म में अरेंज, इंटरमीडिएट इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, जो जिगजैग प्रोटीन है, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या थे, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थे। तभी तो एनिमल सेल में ये बनाते हैं ना, सेल फॉरो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएंगे, पूरा रिंग क्या होगा, श्रिंक होता चला जाएगा, तो सेल फॉरो बनेगा और एनिमल सेल डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच रहते हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होती है, मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए माइक्रोफिलामेंट मसल्स बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन, बताया था आपको। सेल मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, एकदम सही है, ठीक है। गैस्ट्रोलिसिस स्टेज में हेल्प करेंगे, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में ये साइटोकाइनेसिस करते हैं। सेल डिवीजन में लिखा क्लीवेज फॉरो, बता दिया आपको, तो क्लीवेज फॉरो को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्व आउटग्रोथ, जो उसमें एग्जॉन में ऐसे निकले रहते हैं ना डेंड्रॉइड्स, उनके बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो बाहर निकलते हैं ना ऐसे स्ट्रक्चर, ये हो गया माइक्रो फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, देखिए फिर से देखिए डायग्राम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ईआर है, है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये ट्यूब ऐसा पाइप, ये सारे पाइप क्या है, माइक्रो ट्यूब्स, ये सारे पाइप क्या है, माइक्रो ट्यूब्स, इनसे ही अपने सारे सेल ऑर्गेनेल अटैच रहते हैं, नहीं तो ये सेल में इधर उधर मूव करते रहे, क्योंकि सेल तो बराबर हिलती रहेगी, जब आप बॉडी हिलाओगे तो सेल हिलेगी, तो ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, साइक्लोसिस के कारण इनमें इधर उधर मूवमेंट नहीं हो पाता, फिक्स है ये, ठीक है। और ये जो माइक्रोफिलामेंट है, ये दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन अटैच है, ये मेम्ब्रेन से अडियर होते हैं, और इनको जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है रोप लाइक है, लॉन्ग स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड टुगेदर है, फाइब्रस प्रोटीन के बने होंगे, इनका साइज 8 to 12 nm होगा, यानी सबसे बड़े माइक्रोट्यूब्यूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर माइक्रोफिलामेंट, नाम ही क्या, माइक्रोफिलामेंट, फॉर्म ए नेटवर्क थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बास्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और बेसिक मैकेनिकल सपोर्ट सेल को देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर